माय डिपार्टमेंट माय टीम रेडी हो गया ना? मैं आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट्स दूंगा। फर्स्ट क्लास रिजल्ट सिर्फ आपको चाहिए, ये काउंटरफीटिंग आपकी चुल्ल है। कृपया अपनी चुल्ल का निवारण स्वयं करें, हमारी गांड में उंगली ना करें। तो ये हमने चेक पोस्ट पार कर लिए मध्य प्रदेश की, एंड नाउ वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इनटू यूपी। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है भाई साहब। और सिस्टम यहाँ कुछ ऐसा है कि आपको अगर नोएडा की तरफ जाना है तो आपको एमपी से निकल के यूपी में जाना है, और फिर बीच में एमपी वापस आएगा, एमपी का कुछ और पार्ट्स, और फिर वापस यूपी में एंटर करोगे आप, और फाइनली फिर आप नोएडा पहुंचोगे यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू। दैट्स द रूट वी आर टेकिंग टुडे। झांसी 137, ललितपुर 41 किलोमीटर। अगर हमें जरूरत महसूस हुई देन वी विल टेक ब्रेक इन ललितपुर, और एल्स डायरेक्ट झांसी लगाएंगे। और ये देखिए गाय माता। तो गाइज, जब आप ये यूपी से एमपी, एमपी से यूपी की तरफ जा रहे हो तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, वो आपको ओपन हाईवे पे मिल जाएंगे, और एक से दो बार ऑलमोस्ट मैं और विशाल भाई दोनों ही गाय के साथ काफ़ी क्लोज कॉल्स में आए, जो कि थोड़ा अनकम्फर्टेबल था। बट अपने एडवेंचर भाई अपने पिनाका में है एबीएस ज़बरदस्त ब्रेकिंग सिस्टम, सो उसने बचा लिया। सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि ये ओपन हाईवे है तो यहाँ पे कहीं से कोई भी जानवर, कोई भी इंसान, कुछ भी आ सकता है। सो वी आर ऑन द वे टू झांसी, और रास्ते में ये कुछ व्यू दिख गया तो हम यहाँ रुक गए आपको भी दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हो, इसको कहते हैं बेतवा नदी। मैन, जब ये ट्रक्स गुजर रहे हैं तो ब्रिज इज रियली शेकिंग, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट पुल है, और यहाँ नीचे में नदी है। ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी सूख सी गई है, या पता नहीं, बीच में छोटे छोटे ये आइलैंड जैसे बने हुए हैं, और वहाँ पे एक मंदिर भी है, जय श्री राम, हर हर महादेव। और यहाँ पे नदी है, बट नदी के बीच में एक आइलैंड भी है टापू जैसा, सो इसको आइलैंडिश रिवर हम नाम देंगे, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है बेतवा नदी। और इस नदी के पीछे की अगर कोई कहानी है तो वो मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को भी पता हो तो आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। भैया चले, फील कर रहा हूँ कलर आज में कि धूप है लेकिन हवा ठंडी है, तो अगर हम जैकेट खोल के थोड़ा वेंट खोल के चला रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कल भाई साहब पेड़ की छांव उसके नीचे ऐसे पड़ रही थी, इधर नहीं उधर नहीं, पेड़ नहीं मिल रहा था रोकने के लिए गाड़ी, इन स्पाइट ऑफ इतने पेड़ थे। ये अच्छा है, कम से कम लू नहीं चल रही है यहाँ पे ना सर? अभी लू नहीं, आई थिंक नेक्स्ट मंथ चलेगी वो। बहुत अनसेफ ड्राइवर है महाराष्ट्र, और वहाँ
बहुत मतलब साउथ में बहुत ज़्यादा सेफ लोग चलाते हैं। और ये अपने आगरा का ट्रैफिक, ये जबकि हम आगरा मतलब शहर के अंदर भी एंटर नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी ये भयानक ट्रैफिक मिल रहा है। इवन आउटर रिंग रोड कह लो या हाईवे कह लो, उसमें ओह माय गॉड, पिछले एक घंटे से हम लोग 10-12 की स्पीड पे, हमारी बाइक जो है वो चल नहीं रही है, रेंग रही है। Horrible situation, and it's wasting a lot of our time. So guys, we are here at a surprising location. Vishal bhai will tell you about it. Bolo sir. जितना किलो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक आपको जो मड ड्यून्स दिख रहे हैं ना, मिट्टी के पहाड़, दिस इज नथिंग बट चंबल, चंबल की घाटी। ओह माय गॉड, यहीं पे होता था सब कुछ फेमस कहानियाँ। तो ये आप जो भी देख रहे हो, ये दूर दूर तक मिट्टी के जो पहाड़ जैसे, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की रेंज है और इसको चंबल कहते हैं। यहाँ पे डाकू रहते थे पहले, राइट, और बहुत फेमस था ये डाकू लोगों के लिए, काफ़ी लूटपाट हत्या ये सब। वहाँ नोएडा में रात में अगर हम लोग मान लो एक्सप्रेसवे में चढ़ते हैं अभी, मान लो एक मिनट के लिए, और नोएडा में उतरते हैं जाके अराउंड कितने बजे, कम से कम 2.5-3 घंटे, 2 घंटे तो लगेंगे एक्सप्रेसवे पे भी 2.5 घंटा ना। तो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 8:30 हो रहा है, राइट, तो 10:30-11 में उतरेंगे वहाँ पर, 11 बजे बारह बजे से पहले 11 से पहले उतरोगे नहीं ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ सेफ नहीं है ना फिर, जा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से मतलब अमृतसर कर लेंगे ना कल? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि पूरा दिल्ली पार करना है। क्या करें फिर? उत्तर से पार करना है, लेकिन स्टिल इट विल टेक टाइम। जैसा बोलो आप, क्या करना है? यहाँ पर रिस्क लो और चलो। ये जो एक्सप्रेसवे से उतरते हैं नोएडा में, नहीं तो देखो वही होगा कि कल आप ट्राई करोगे चलने, आप ट्राई करोगे अमृतसर की पहुंच के तो ठीक है, नहीं तो अमृतसर से पहले फिर रुकना पड़ेगा चंडीगढ़ या लुधियाना, और मॉर्निंग में फिर जल्दी उठ के अमृतसर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सोच सकते हैं, या तो अभी रिस्क लो या कल रेडी रहो कि चंडीगढ़ या लुधियाना के रुक जाओगे और फिर वहाँ से फिर दोबारा लोगे।
जैसा बोलो आपको क्या लग रहा है। तो गाइज वी आर फाइनली डिसाइडेड टू स्टे इन आगरा फॉर द नाइट, क्योंकि गूगल ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी। हमें कहा था, मतलब हमने लोकेशन डाली थी फोर व्हीलर की, उसके बावजूद भी हमें बहुत ही इंटरनल और खेत वाले रास्ते और गांव के रास्ते से निकाल के लाया है गूगल, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया।